देखो सुन बंद देखो कैसे कौन देर का है आके ऐसा इन तलपट और साथ में के सब मिक्स भी देर का है आके ये है दिया साइड और ये देर की है आपके सिया में कैसे कौन नहीं है केवल दिया और सिया लिखे हुए तलपट से लिए हुए ट्राई बैलेंस समझ लो ये क्या है आपके ट्राई बैलेंस है ये सब डीआर पॉइंट है और इसमें क्या है आपके सीआर पॉइंट है अब यहाँ दे रखा है वर्ष के अंत में सबमिशन भी दे रखा है और साथ में सैलरी भी दे रखी है वैसे आपके ऑफिस स्कॉलरशिप भी दे रखी है और साथ में एफडी दे रखी है एफडी कब ली गई 1/10/2010 को ली गई खाते का मुकदमा बताते हैं आपके 21/12 को मतलब बताओ एफडी पर ब्याज कितना मिलेगा आपको केवल 3 महीने अक्टूबर 1 तारीख है तो अक्टूबर मिलेगा नवंबर मिलेगा और दिसंबर मिलेगा फिर से मैं इकट्ठा करो यहां से इकट्ठा कर दो हमें लास्ट डे की बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं अब क्यों जरूरत नहीं बताओ क्योंकि आपके यहाँ दे रहेगा कैपिटल फंड 45,000 दे रखा है हमें याद करनी होती है ये हो जाएगा आपके कैपिटल फंड हो जाएगा ये हो जाएगा आपके 45,600 सरप्लस है तो यहाँ क्या कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे क्या कर लेंगे ऐड सरप्लस जो भी आएगा वो क्या करेंगे ऐड कर लेंगे सरप्लस ऐड कर लो डेफिनेट क्या आएंगे लेस कर देंगे सबसे पहले यहाँ निकाल करो कैश और बैंक ये आपके देखो ये पुराना है अब नया कितना होगा ये पुराना है मेरा एक ही दे रखा है कैश वही ओपनिंग वही सब दे रखा है क्या कितना हो जाएगा आपके ये हो जाएगा कैश एक ही है पूरे साल के अंदर इसी में पेमेंट अकाउंट नहीं है ये ट्रायल बैलेंस है कैश का बैलेंस दे रखा है वो हम यहाँ लिखेंगे और ये भी आपको पता है कितनी तारीख का आई है ये 31 तारीख का दे रखा है आज 31/12/2010 का दे रखा है ये भी आपके लास्ट तारीख का ही है तो कैश कितना दे रखा है आपके 500 रुपए फिर दे रखा है बैंक अब बैंक को बैंक में क्या कह रहे हो ध्यान दो सबसे पहले है आपके अकाउंट में कितने रुपए बैंक अकाउंट में बैंक के जो अकाउंट है अकाउंट में रुपए तो है आपके कितने हैं 2100 रुपए अब आगे दे रखा है एफडी एफडी पर क्या मिलता है आपको 6% ब्याज मिलता है अगर आपकी एफडी 1 तारीख को है या कब खरीदी आपने लिखा हुआ है 1/10 को बनाई थी एफडी और अब चल रहा है आपके 31 दिसंबर इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको 3 महीने का इंटरेस्ट ब्याज अंदर ऐड करना पड़ेगा तो एफडी कितनी हो जाएगी एफडी बढ़ जाएगी और साथ में इंटरेस्ट जुड़ जाएगा देखो 10,000 की एफडी है ये प्लस इंटरेस्ट अब इंटरेस्ट क्या चलो वर्किंग नोट में अलग से निकाल लो यहाँ क्या लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना बताओ हमारे पास 10,000 रुपए है कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है 6% 6/100 कितने महीने का है 3 बार 3/12 12 3 महीने दो का भाग जाएगा दो बार ये हो गए आपके 3,000 ये 10,000 रुपए है तो ये हो जाएंगे 300/2 कितना आ जाएगा 150 रुपए यह अंदर ऐड कर लो तो एफडी कितनी बन जाएगी आपके 10,150 अब आपको पहले वाले में जोड़े नहीं था आपने ब्याज या 1 लाख का 1 लाख का नहीं वहां ऑलरेडी सवाल में इंटरेस्ट निकाला हुआ था या हमने इंटरेस्ट निकाला है पहले 9,000 ऑलरेडी अंदर दिए हुए थे हमने इसलिए अंदर ऐड नहीं किए अब यहाँ क्या ऐड इसलिए कर रहे हैं दो बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट निकाला हुआ है ही नहीं अगर ये 150 रुपए दिया होता इंटरेस्ट तो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन दिया हुआ नहीं इसलिए हम यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ इनकम में भी लिखेंगे यहाँ लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना देर का आपके 150 रुपए कंप्लीट अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमेशा आपके असेट्स होती है वैसे भी डीआर है सभी डीआर असेट्स सभी सीआर क्या होती है लायबिलिटी तो ये यहाँ आ जाएगा वैसे इधर भी देर का प्राइस पर इधर भी देर का 14 हटा दो क्या आ जाएगा आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसके अंदर नंबर वन पहला फंड क्या है आपके प्राइस फंड दे रखा है प्राइस फंड तो दे रखा है आपके 10,000 और अगला दे रखा है अदर अदर कितना दे रखा है आपके 40,000 ये हो जाएगा आपके 50,000 अगला दे रखा है स्कॉलरशिप अवार्ड ये खर्चा हो गया खर्चा कितना है आपके 48,000 का अब देखो खर्चा है अवार्ड वैसे भी डीआर है सभी खर्चे क्या होते हैं डेबिट होते हैं तो ये क्या करने खर्चा है तो डीआर क्या लिखेंगे हम स्कॉलरशिप अवार्ड स्कॉलरशिप अवार्ड कितना दे रखा है आपके 48,000 अंदर क्यों लिखा क्यों इसके बारे में और भी कई पॉइंट है कौन सा पॉइंट है यहाँ ढूंढना पड़ेगा आपके पॉइंट हो कहाँ दे रखा है स्कॉलरशिप है क्या ये लाख में दे रखा है
कितने देर का है, बकाया है इस साल का, इस साल बकाया बन जाता है आपके ऐड होता है, तो हम ऐड कर लेंगे आउटस्टैंडिंग स्कॉलरशिप अवार्ड। कितना देर का है आपके 2100 रुपए, ये हो जाएगा आपके 50,100 रुपए। अब ये आउटस्टैंडिंग आप यहाँ पे लिख दो, आउटस्टैंडिंग खर्चा बढ़ गया तो इधर आएगा, इधर आएगा लायबिलिटी में आएगा, तो ये आ जाएगा आउटस्टैंडिंग स्कॉलरशिप अवार्ड। कितना हो गया आपके 2100 रुपए। पहले ये वाला पॉइंट ही कर लो, ठीक है, बाल कौन लाएगी फिर सबकृष्ण देगा, सबकृष्ण कहाँ देगा, ये रहा सबकृष्ण। तो आपके यहाँ लिखेंगे बाय इनकम में लिखेंगे, इनकम है आपके कितनी, इनकम है या तो लिखो 307 में या लिखो कितना केवल 32,600। एक ही बात है क्योंकि वापस घटाए कितना करना है आपको 32,600 रुपए ही करने हैं, और 307 से साथ लो 2100 + 32,600 + 1700 ये हो जाएगा आपके 36,400। मुझे इतने रुपए मिले, इसमें ये दो मूल्य शामिल है, तो अब क्या करो आप माइनस कर दो, लेस कर देंगे, हमें आउटस्टैंडिंग है वो भी क्या है आपके प्रीवियस ईयर का है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का बकाया था वो ये रहा आउटस्टैंडिंग। लास्ट ईयर का जो है तो आपके पास आउटस्टैंडिंग था, लास्ट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग था 2100, और अभी यहाँ हमें कितना मिला 2100 मिल गया। देखो यहाँ लिखा हुआ है मतलब हमें यहाँ मिला है रिसीव्ड हुआ, मतलब पैसा आया है, कितना आया है लास्ट 2100 क्यों है, क्योंकि लास्ट ईयर बकाया थे 2100 रुपए, वो 2100 में ये मिल गए, दोनों पॉइंट आपके कट जाएंगे, और यहाँ पर हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 36 कितना है 36,400 - 2100 रुपए, ये आ जाएगा आपके 34,300 रुपए। अब ये पॉइंट कंप्लीट हो गया, अब ये वाला पॉइंट, ये 2011 का है, पैसा तो मिला लेकिन किस साल का है, अगले साल का, इस साल का नहीं है, क्या कर दो आप लेस कर दो, तो यहाँ लेस कर देंगे एडवांस, लेकिन कौन साल का है आपके करंट ईयर का एडवांस है, कहाँ ये नेक्स्ट ईयर का, हाँ इस साल का एडवांस है, इस साल मिला है लेकिन है एडवांस लेकिन मिला इस साल, कितना है आपके 1,700 रुपए, वापस हो जाएगा कितना करेंगे 32,600 रुपए वापस आ जाएंगे, और ये एडवांस है, एडवांस कहाँ आता है बैलेंस शीट के, अब तो इनकम बढ़ी के इनकम घटी, इनकम घट गई है तो आपके ये खर्चा यह आ गया आपके एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितना आ जाएगा आपके 1,700 क्या, और के सब्सक्रिप्शन है ये रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अब एडवांस मिला है 600 रुपए, हमें एक्स्ट्रा एडवांस और मिला, और कितना मिला हमें ये 600 मिला है, और कब मिला है हमें 1/1/2010 को मिला, मतलब इसी साल मिला, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके हमें लेस कर देंगे, मिला इस साल है लेकिन मिला हुआ क्या है आपके एडवांस है, एडवांस क्या करेंगे हम लेस करेंगे, एडवांस इस साल मिला है करंट ईयर में कितना रुपए मिला है हमें 600 रुपए, 600 लेस कर दो कितना हो जाएगा आपके 32,000, तो ये भी आ जाएगा आपके एडवांस सब्सक्रिप्शन 600 रुपए और मिले, और देखो और कहीं देने का है आपके ये रहा आउटस्टैंडिंग संगीता इस साल का बकाया, तो क्या आ जाएगा आपके ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग किस साल का है, इस साल का आउटस्टैंडिंग है, अब इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना देने का है आपके 3600 करंट ईयर का है आउटस्टैंडिंग, इस साल पैसा हमें मिला नहीं लेकिन कमा लिया हमने, तो आएगा कितना आएगा आपके 3600 रुपए ऐड करेंगे, ये आ जाएगा आपके 35,600, और आउटस्टैंडिंग क्या इनकम बढ़ी या घटी, इनकम में वृद्धि हुई है तो आपके यहाँ आएगा, अब या आउटस्टैंडिंग को या क्या लिखो आप उसे अक्रूड भी लिख सकते हो सब्सक्रिप्शन, कितना हो गया आपके 3,600 आउटस्टैंडिंग को, तो भी राइट है आपके कोई गलत नहीं है, और कौन सा पॉइंट है एफडी वाला हमने कर दिया, ये भी हमने कर दिया, अब यहाँ से देखो अगला पॉइंट है प्राइज अवार्ड, प्राइज अवार्ड यहाँ भी है, प्राइज यहाँ भी है, प्राइज यहाँ भी, सब जगह प्राइज दे रखा है, अब देखो प्राइज फंड दे रखा है, जैसे हमने ये वाला उधर लिखा था तो ये वाला किधर लिखेंगे, हम इधर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम प्राइज फंड, कितने प्राइज कितने दे रखा है आपके 10,000 गाना है या जोड़ गलत किया, कनी देती आपको जोड़, हाँ सही है ना, बच्चों 32,000 है, 3600 है देर का है
आउटस्टैंडिंग इतना देर का है आपके 3600 रुपए, वो ऐड कर लिया हमने हाँ। और वो लेस नहीं करता, सही है सर। देखो बात बताएंगे पॉइंट। अब देखो अगला पॉइंट क्या है आपके, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसको सिर्फ अवार्ड हमने कर लिया, फिर ये दे रखा है प्राइज अवार्ड। अब देखो प्राइज का पूरा अलग ही बनाया हुआ है। अब यहाँ देखो इसने एक खर्चा दे रखा है आपके, कितना देखो इंटरेस्ट दे रखा है, ये देखो क्या नाम है ये वाला, इंटरेस्ट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रखा है, ये दे रखा है इंटरेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में है क्या, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो चीजें है, प्राइज फंड भी है और अदर्स भी है। तो लेकिन हमें यहाँ प्राइज फंड इधर वापस दे दिया इसने, इसका मतलब इसमें से जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर जो ब्याज है वो पूरा नहीं है, क्योंकि पूरे लेने पर आपको वैसे पूरी लेनी पड़ती है, लेकिन जो राशि इधर दे रही है उसने वापस प्राइज फंड इधर दे रही है, उसका मतलब इसका हिस्सा आपने यहाँ लिखा है, कहाँ लिखा आपने बैलेंस शीट में लिखा है, तो इसका भी जो भाग है वो कहाँ जाएगा आपके बैलेंस शीट में जाएगा, पूरा पूरा 2001 ही आएगा। मतलब अगर आप यहाँ लिखते हो जैसे आपकी इनकम है, तो यहाँ कह लिए हम बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या होगा, देखो ध्यान दो, ये 2000 रुपए दे रखे हैं, ये पूरे पूरे किस पर है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने कितने की है 50,000 की, जबकि प्राइस फंड हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, तो इधर इधर ट्रांसफर किया तो रुपए भी आपके नहीं आएंगे इंटरेस्ट के, तो नहीं आएंगे जिसका मतलब कितना आएगा आपको, देखो जो 2000 रुपए थे वो किस पर थे आपके, 50,000 रुपए पर थे, तो बताओ 40,000 पर कितने होंगे, क्योंकि हमने प्राइस फंड इधर ट्रांसफर किया था वापस, तो ब्याज भी नहीं आएगा, तो ब्याज नहीं आएगा तो कितना नहीं आएगा ब्याज, अब ये कितना हो गया बताओ, 2000 रुपए है वो 50 का कितने, तो 40 का कितने, ये हो जाएंगे आपके 1,600 रुपए, मतलब लिखने थे 2000, हमने कितने लिखे 1600 लिखे, अब तो 400 आ जाएंगे, जैसे हमने इसको ट्रांसफर किया है तो वहां के जो 400 रुपए हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, यह आ जाएगा आपके 400 रुपए। अब यहाँ ऐड हुआ कि लेस होगा, वैसे भी इंटरेस्ट है इसके पास में लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा आपके ऐड हो जाएगा, तो दोनों चीजें पास पास ही है, क्योंकि वो भी लाइबिलिटी है आपके, देखो वो भी सीआर है, ये भी सीआर है इधर आपके, तो उधर से देखो कम हुआ 400 रुपए, उधर कम हुआ इधर, या तो जोड़ लो या इधर लिख दो, क्या होती लाइबिलिटी होगी, अगर हमने कुछ चीजें 2000 लिखा था कितना लिखा, केवल 1600 लिखा, तो मतलब क्या हुआ 400 हमने वहां इनकम कम की, कम की तो क्या होगा नुकसान हो गया, कहाँ आएगा आपके लाइबिलिटी साइड, यह आएगा 400 रुपए, ये क्या हो जाएगा आपके, ये क्या कहलाएगा इंटरेस्ट कहलाएगा, तो हो जाएगा 10,400 रुपए। इसमें जब फिर से इधर और देगा प्राइस अवार्ड, तो सब प्राइस प्राइस देगा लिखो, तो ये जो 300 रुपए देने गया वो यहाँ लिख दो, 300 रुपए हमने क्या कर दिए है एक्सपेंसेस कर दिए या अवार्ड पर खर्चा कर दिया, तो पीछे कितना बचा आपके 10,100 रुपए बचे, तो ऐसा लिखेंगे आप, क्योंकि हमने प्राइस में ट्रांसफर किया है तो उसी उसके हिस्से की राशि भी हम क्या कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि प्राइस फंड इधर भी है प्राइस फंड इधर भी है, इसको अगर ट्रांसफर किया तो ब्याज देखो ये लिखा हुआ है किस पर ब्याज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे ब्याज है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर ये भी आता है और ये भी आता है, इसका जो भी 2000 ब्याज था वो 50 में था, तो बताओ कि 40,000 पर कितना होगा। अब आगे दे रखा है आपके ये भी हो गया, ये भी हो गया सैलरी, सैलरी बारे में दिया गया, ये सैलरी के बारे में आउटस्टैंडिंग है और क्या सैलरी बारे में आउटस्टैंडिंग दे रखा है आपके, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे, अब ये देखो यहाँ मैंने ये गलती की, एडवांस तो दे रखा है तो सब्सक्रिप्शन दिया ने या मैंने लेस कर दिया, जबकि देखो ध्यान देना सब्सक्रिप्शन में भी आपके 1 तारीख का एडवांस है, एडवांस कब मिला मैं तारीख ध्यान देना, एडवांस कब मिला 1-1 को साल के स्टार्ट में एडवांस क्या मिलता है इसी साल का करंट ईयर का ही मिलता है, तो यहाँ वो लेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपके एड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपके कितना 33,200 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 36,800 गलती की तो वैसे ही होगी, तारीख देखना है, अगर ये 31 तारीख होती यहाँ पर 31-10 होती 31-12 होती तो ये क्या करते लेस करते वो वाला लाइक था उसी, अब ये कैसे मालूम पड़ा है आउटस्टैंडिंग का, आउटस्टैंडिंग में ही प्रॉब्लम है आपके, आप सैलरी दे रही 9,700 रुपए, हम लिखेंगे सैलरी कितनी दे रही है 9,700 रुपए, यहाँ भी आउटस्टैंडिंग है और यहाँ भी आउटस्टैंडिंग है, अब साल के स्टार्ट में आउटस्टैंडिंग है तो मतलब वो किस साल का है लास्ट ईयर का है, तो क्या करेंगे हम लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग किस साल का है आपके लास्ट ये प्रीवियस ईयर का है, कितना है आपके ये हो गया है आपके 700 रुपए, कितना रुपया है 1500 रुपए, ये आपके आउटस्टैंडिंग तो है कौन साल का है लास्ट ईयर का, फिर ये यहाँ भी आएगा सर एडवांस हमें ये
एडवांस यहाँ पर आपके नहीं आएंगे, इसी साल का है यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि इसी साल का करंट का है तो वो वही आएगा आपको। अब देखो ये 600 रुपये में वहाँ घटाए थे, ये वापस जोड़ लिए और यहाँ पर वो एंट्री आएगा। अब आउटस्टैंडिंग जो इस साल का था, इस साल का साल के स्टार्ट में आउटस्टैंडिंग मतलब किस साल का है वो लास्ट ईयर, तो इसलिए लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा, यहाँ पर आपके नहीं आएगा। वैसे जो ये एडवांस है, जो एडवांस कब का है आपके लास्ट ईयर की बैलेंस शीट का है, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा, इस साल की बैलेंस शीट में वो नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ बैलेंस शीट नहीं दिखेगी और सीधा यहाँ क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे। आगे समझे लाइन समझनी है, एक वो एडवांस सब्सक्रिप्शन है, एक को मतलब क्या हुआ सबसे पहली तारीख को ही, मतलब साल स्टार्ट नहीं हुआ और पैसा पहले ही मिल गया, पहले मिल गया मतलब क्या हुआ, ये जो लिखा हुआ था एडवांस तो किस बैलेंस शीट था आपके लास्ट ईयर की बैलेंस शीट था, इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे। सैलरी देखो सैलरी की चीज है, आउटस्टैंडिंग तो दे रखा है, इनकम का दे रखा है आपके एक का दे रखा है, मतलब साल के स्टार्ट में ही आउटस्टैंडिंग है, मतलब वो जो आउटस्टैंडिंग है इस साल की बैलेंस शीट नहीं आएगा, वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा अगर बनाई होती तो ऐसे भी आपके एक दे रखा है तो लास्ट ईयर में यहाँ नहीं आएगा, केवल लेस करना है आपको, तो कितना करेंगे लेस कितना हो जाएगा आपके 8,200 हो जाएगा। अब आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दे रखा है लेकिन ये साल का है, इस साल का, इस साल क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, वो भी आपके करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, वो कितना हो जाएगा आपके 1,300 और ये हो जाएगा आपके 9,500 रुपए। और यहाँ पर लिखेंगे हम तो खर्चा बढ़ गया है, इधर लिखेंगे इधर लिखेंगे खर्चा बढ़ गया है, इधर आएगा लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना दे दिया आपको 1,300 रुपए। सैलरी के बाद क्या लिखना है रेंट कितना है, अब रेंट यही आएगा आपके, रेंट दे रखा है आपके 2100 रुपए, फिर दे रखा विश्लेषण एक्सपेंसेस ये भी यही आएगा आपके 1900 रुपए, फिर स्टेशनरी कितनी दे रखी है आपके साल के एंड की स्टेशनरी दे रखी है, और क्या है क्या स्टेशनरी, ये कितनी दे रखी है आपके 500 रुपए, और इधर से गेटमेंट लिख दिया ये ग्रांट फॉर गवर्नमेंट, ये आपके लाइबिलिटी है, क्या कहते हैं सीआर रेंट देर का, सीआर जो लाइबिलिटी होती है तो ये यहाँ आ जाएगा आपके, यहाँ लिख दो ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट कितना दे रखा है आपके 24,000 रुपये, और क्या दे रखा है इंटरेस्ट मिल गया, प्राइस फंड भी आ गया, ये भी आ गया, लाइफ मेंबरशिप फीस ना आती है ये भी यही आती है, लाइफ है एंट्रेंस फीस हो तो आपके यहाँ आएगी, लाइफ मेंबरशिप फीस है पूरी जिंदगी में एक बार देते हैं तो ये आपके यहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके लाइफ मेंबरशिप फीस कितनी दे रखी है आपके 6,000 रुपए। फिर एंट्रेंस फीस ये 10 साल लेते हैं तो एंट्रेंस फीस आपके यहाँ आ जाएगी, फीस है पैसा मिला तो यहाँ आ जाएगा आप बाई एंट्रेंस फीस कितना दे रखा है आपके 500 रुपये, और एफडी होगी ये जो ऑक्यूपेंट वाली बाकी बाकी मतलब कुछ 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 नहीं बचा है, अब तो सरप्लस हो रहा है घाटा हो रहा है क्या हो रहा है सरप्लस ये कहाँ आएगा गवर्नमेंट मतलब देता ये यही आएगा फिर भाई क्या कहेंगे ग्रांट गवर्नमेंट क्यों मतलब घाटा हो गया ग्रांट क्या लिखे गवर्नमेंट अवार्ड जो कितना दे रखा है 24,000 150 रुपए प्लस 37,800 रुपए प्लस 1600 बाहर को मालूम होना चाहिए कुछ खर्चे कहाँ है कुछ खर्चे कहाँ नहीं है, हिंदी में अगर मालूम हो तो आप देख सकते हैं कि कहाँ आएगी वैल्यू प्लस 500 रुपए प्लस 24,000 रुपए ये हो जाएगा आपके 63,050 रुपए, यहाँ भी कर देंगे 63,050 रुपए 50,100 प्लस 9,500 प्लस 2100 प्लस 1900 प्लस 500 ये होता है 64,100 रुपए 50,100 प्लस 9,500 प्लस 2100 रेंट का 2100 ये है 2100 प्लस 1900 रजिस्ट्रेशन प्लस 500 रुपए 64,100 रुपए आ रहा है नहीं डेबिट आ रहा है सर प्लस सर के साथ पुराने किताब में डेबिट के अनुसार
ये 9100 है, तो 100 है तो ये कितने हो जाएंगे आपके 9100 में से गए 1500, पीछे बचे आपके 7600 प्लस 1300, ये हो जाएगा आपके 8900 रुपए प्लस 50100 प्लस 2100 प्लस 1900। अब देखो 500 नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, कारण यहाँ क्या लिखा हुआ है, साल के एंड में इतना है हमारे पास स्टेशनरी है, तो जो क्लोजिंग बैलेंस है केवल यह आएगा आपके स्टेशनरी कितना आ जाएगा आपके 500 रुपए, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके सरप्लस कितना रुपए, ये होता है कितना होता है टोटली कितना रुपया है 50 रुपए आएगा, वो हम यहाँ ऐड कर लेंगे प्लस कर देंगे आपके 45600 प्लस 50 रुपए, ये कर देंगे 45650 प्लस 2100 प्लस 1700 प्लस 10100 प्लस 1300 प्लस 6000 11 68000 है। अब ये क्या है, इतना हार्ड क्वेश्चन से आता नहीं है, आपको पहले वाले क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान देना है, ये समझ में आ जाए तो आपको ट्राई करेंगे बाद में, और सुनूंगा मैं 50000 प्लस 3600 प्लस 500 ये होता है 68850। कुछ एक दो पॉइंट नहीं है फर्क ज्यादातर, जैसे एक तो ये हो गया प्राइस फंड का है, एक दो कॉलम ही है आप, ज्यादा कोई खास नहीं है, फिर जैसे क्वेश्चन बहुत कम चांस है, दूसरे क्वेश्चन आप तैयार करो, इससे पहले वाले वो ही है।